नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और टॉपिक ऐसा है कि आजकल का ज़माना ये है कि किसी का आवाज़ भी हम बन नहीं सकते, किसी की आवाज़ अगर उठाते हैं तो लोग मुंह पे ताला लगा देते हैं। जी हां साथियों, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मेरे साथ क्या घटना घटी आप लोगों की। मैंने एक आवाज़ उठाई थी दुबई से रिलेटेड। जी हां साथियों, एक वीडियो बनाया था मैंने लगभग 6 या 7 दिन से पहले, उसका एविडेंस दूंगा मैं आपके साथ में। 6 या 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि दुबई में कमाने जो गए उनके खाने के लाले पड़े, और उनका नाम अगर इस वीडियो में भी नहीं ले सकता भाई, अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो फिर नाम लूँगा तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन लाइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन विदेश से रिलेटेड मिलते रहे। तो भाई आज हम बात करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 7 दिन पहले, आप लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजा था, लगभग 2 मिनट का था, उसमें आप किसी कंपनी में फंसे हुए थे। जी हाँ साथियों, कंपनी का नाम भी नहीं ले सकता, ये स्थिति है भाई। यानी दूसरों के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, समझ गए बात को। यानी मैंने आप लोगों ने मुझे वीडियो भेजा कि हम फंसे पड़े हैं, हमारी मदद करें, हेल्प करें, तो मैंने वो वीडियो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे भी डाला था, फेसबुक पेज पे भी डाला था, काफ़ी सारे लोगों ने देखा। अभी फेसबुक मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल पे उसको 50,000 लोगों के करीब देखा था वो वीडियो। मैं बताऊं आपको हकीकत, मैंने एक बात बोलता हूं, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो वीडियो आगे तक पहुंचता है। मैं इस बात को आपको बोला था और वो वीडियो उस कंपनी के मालिक तक पहुंच गया। जी हां साथियों, और मालिक ने अपनी पहुँच का वीडियो में भी लोग बोल रहे हैं, आप देखना, आपको वो वीडियो ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। उस मालिक ने क्या किया, उस वीडियो को ब्लॉक करवा दिया वर्ल्ड वाइड, और इसका सबूत है मेरे पास, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। मेरे पास मेल आई 2 दिन पहले, इसमें देखिए क्या लिखा है, YouTube वीडियो ब्लॉक्ड टर्मिनेशन कंप्लेंट, यानी आपका वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मतलब ये कि मेरे YouTube चैनल पे वीडियो पड़ा है, अभी भी आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखेगा। आपको वो कैसे दिखेगा, जैसे आप लगाओगे अशोक LLB, फिर आपको लगाना है दुबई व्यू में कमाने गए लोगों के खाने के लाले पड़े, ये लगाओगे ना तो वो वीडियो आप उसको 5-6 नंबर पे आपको दिख जाएगा। मैंने वीडियो डाला था 6-7 दिन पहले, उसमें मैंने बताया था कैसे कंपनी लोगों के साथ अन्याय कर रही है, उनको कुछ भी खाने की प्रॉब्लम, रहना, वीज़ा कुछ भी नहीं है उनके पास, और कंपनी का मालिक है वो चीटिंग कर रहा है। दुबई से रिलेटेड मैंने ये वीडियो डाला, वो वीडियो साथियों देखिए कहीं ना कहीं होता है, जैसे हो सकता है आप ही लोगों ने या किसी ने कंपनी के मालिक के नंबर होते हैं, सबको पता है, व्हाट्सअप नंबर पे उनको सेंड कर दिया होगा, देखिए आपके कंपनी के लोगों ने वीडियो डाला, इसने वीडियो डाला, उसने YouTube पे शिकायत करके वो वीडियो मेरा ब्लॉक करवा दिया। यानी आप लोगों की आवाज़ बाहर नहीं निकले, वो मेरा वीडियो ब्लॉक नहीं करवाया, ये आप लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए वीडियो ब्लॉक करवाया गया है, क्योंकि वो वीडियो हो सकता है UAE आपकी दुबई हुकूमत के पास पहुंच जाए, तो उस कंपनी के खिलाफ एक्शन, तो मैं बता दूं कितना भी बड़ा 30 मार का क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उसकी औकात ना हो, जब गलत होता है तो उसको नीचे झुकना ही पड़ता है, ये मान के चलिए। उस बंदे ने, उस कंपनी के मालिक ने वो आप लोगों की आवाज़ दबाने के लिए उस वीडियो को ब्लॉक करवा दिया। जी हाँ साथियों, एविडेंस मैं दूंगा, यूट्यूब की तरफ से मेरे पास मेल आया था कि आपका वीडियो ब्लॉक किया जाता है ऐसे ऐसे, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इसको यूट्यूब पे शिकायत भी करूंगा। अगर शिकायत नहीं करता है कि भाई हमने अगर किसी लोगों की हम आवाज़ उठा रहे हैं इसका मतलब गलत है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो हाथ बांध दिए कि आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते किसी का आवाज़, तो फिर मतलब क्या है भाई सोशल मीडिया का, अगर हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे जो गलत कर रहा है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, 20-25 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी वीडियो में बोल रहे हैं, इसका मतलब वो गलत हो गए। YouTube ये बोलती है कि आप अपनी कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्रियों के आदमी का नाम लेके उनका वीडियो नहीं बना सकते, तो फिर क्या मतलब हुआ यार वीडियो बनाने का सोशल मीडिया का, मतलब आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, हालांकि इसको अगर मैटर नहीं सुलटा तो भाई मैं कोर्ट में भी इसका दावा करूँगा, क्योंकि आवाज़ अगर उठा नहीं सकते तो फिर क्या मतलब है वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे, फिर तो अखबार TV कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप देखना उस वीडियो को, नहीं देखा है वो मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, अब ऐसे नहीं दिखेगा भाई, आप अशोक LLB लगाओगे अपने यूट्यूब चैनल पे, फिर उस वीडियो को आप देखोगे अंदर जाके, यूट्यूब मेरे चैनल के अंदर जाके देखोगे तो वो वीडियो मिलेगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो आप देखना मैंने उसमें कोई गलत नहीं बोला, मैंने 100-200 लोग जो मेरे को वीडियो भेजा, मैंने आवाज़ उठाई कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनको न्याय दिया जाए, वो कंपनी के मालिक तक पहुँच गया, कंपनी ने आप लोगों की आवाज़ दबाने के लिए मेरा वीडियो ब्लॉक करवा दिया।
दिया ताकि आपकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचे, लोगों तक नहीं पहुंचे। वीडियो तो दुबई का था, दुबई हुकूमत के पास कहीं ना कहीं पहुंच जाए तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होती, तो वीडियो ब्लॉक करवा दिया। तो आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति हो रही है हमारे साथ में। तो बस आज की जानकारी ये थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।